बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आलिया शेट्टी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पर अभी तक आम लड़के इनसे शादी करने का ख्वाब सजाए बैठे हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि आलिया शेट्टी केएल राहुल से शादी करने के बाद किसी से भी शादी नहीं करेंगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आलिया शेट्टी ने केएल राहुल से शादी करने से पहले बॉलीवुड के चार अभिनेताओं के शादी के ऑफर को ठुकराया है, जो आलिया से किसी भी कीमत पर शादी करना चाहते थे। अगर आप भी रिजेक्ट होने वाले उन चार अभिनेताओं के नाम से रूबरू होना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर एक, टाइगर श्रॉफ। जब से टाइगर श्रॉफ का ब्रेकअप दिशा पाटनी के साथ हुआ है, तब से ये सेटल होने की सोच रहे थे। ऐसे में इन्होंने 5 महीने पहले सुनील शेट्टी की बेटी आलिया के पास वेडिंग प्रपोजल भिजवाया था, पर आलिया शेट्टी ने इन्हें डायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि एक तो वो राहुल से ही शादी करती, मगर उन्हें टाइगर श्रॉफ जैसे हस्बैंड कभी नहीं चाहिए, जो अपनी गर्लफ्रेंड को बिना बात पर छोड़कर सालों भर का रिश्ता एक पल में खत्म कर दे। नंबर दो, सनी कौशल। जी हाँ, दमदार एक्टर विकी कौशल के छोटे भाई सनी कौशल ने भी आलिया शेट्टी से शादी करने की इच्छा जताई थी, पर सनी कौशल अपने करियर में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए आलिया शेट्टी ने इनके शादी का ऑफर ठुकराकर अपनी जिंदगी फेमस क्रिकेटर केएल राहुल के साथ सेट कर ली है। नंबर तीन, करण देओल। जी हाँ, एक्टर करण देओल का भी वेडिंग प्रपोजल ठुकरा चुकी है एक्ट्रेस आलिया शेट्टी, वो भी आज नहीं 3 साल पहले। जी हाँ, जब आलिया ने नया नया केएल राहुल को डेट करना शुरू किया था, तब करण देओल ने उनसे शादी की बातचीत की थी, पर आलिया को देओल खानदान में बहू बनकर जाना नहीं था, इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से सनी देओल को उनकी बहू बनने के लिए इनकार कर दिया था। नंबर चार, सिद्धार्थ मल्होत्रा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी केएल राहुल से शादी करने से पहले रिजेक्ट कर चुकी हैं आलिया, जिसके पीछे का कारण यही है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत से अभिनेत्रियों के साथ प्यार करके उन्हें छोड़ा है, इसलिए वो कभी भी ऐसे अभिनेता से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तो दोस्तों, क्या आपको आलिया की चॉइस क्रिकेटर केएल राहुल बेस्ट लगे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।